हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन अ फंक्शन y इज इक्वल टू sin इनवर्स x होल स्क्वायर एंड वी हैव टू प्रूव दैट 1 माइनस x स्क्वायर y2 मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y माइनस x y1 मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 2 इक्वल टू 0। लेट्स स्टार्ट। We have given y equals to sine inverse x power 2। हमें चाहिए y2 means second order derivative। इसका मीनिंग हो गया कि हमें इस फंक्शन को टू टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। पहले हम इसे फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y इज y1। नाउ मूव टू राइट हैंड साइड, डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, इसका हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमें इससे x कंसीडर करना होगा। अगर हम साइन इनवर्स x को x कंसीडर कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन बन चुका है x स्क्वायर एंड द डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x मल्टीप्लाई बाय, जिससे हमने x कंसीडर किया उसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में हमें कॉपी करना है एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हमने पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट की टर्म मिल जाती है तो हमें स्क्वायरिंग कर देना है और यदि डिवाइड की फॉर्म में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर हमें फंक्शन डिवाइड की फॉर्म में भी मिल रहा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी मिल रहा है इसलिए उसका हम स्क्वायरिंग भी कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट मिल जाएगा y1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x। ऑन स्क्वायरिंग वी गेट y1 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइन इनवर्स x और 2। वन टाइम डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका लेकिन हमें रिजल्ट में y2 चाहिए, मींस सेकंड टाइम डिफरेंशिएट हमें करना होगा। फिर उससे पहले हम इस क्वेश्चन में हमारा थर्ड स्टेप जो हमने पहले के वीडियो में डिस्कस किया था, क्वेश्चन को इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर के प्लेस पे y को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि तो y को डिफरेंशिएट करना ज्यादा इजी होगा, ओनली y1 साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर के प्लेस पे हम y सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा y1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ y। जितना हम इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते थे कन्वर्ट कर चुके, ओनली हमें y1 मिला है। इसका मीनिंग सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव तक के ही स्टेप्स को अभी तक हमने परफॉर्म किया है, अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो इसे हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना होगा। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल x, लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये टू फंक्शंस गिवन है, मींस u इनटू v अप्लाई करना है। u इनटू v के लिए फर्स्ट u एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x। एडिशन v एज इट इज, v मींस 1 माइनस x स्क्वायर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस y1 स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ y1 स्क्वायर हम पहले के वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं और आपको डायरेक्ट लर्न रखना है, डेरिवेटिव ऑफ y1 स्क्वायर इज 2y1 y2 एंड डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y y1। फर्स्ट वीडियो जो बना था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए उसमें हमने इसे डिस्कस किया था। अगर आपको यहां समझने में कोई दिक्कत है तो आप इससे पहले का जो वीडियो बनाया गया है उसमें इसे अच्छे से समझ सकते हैं। वापस हम क्वेश्चन पे लौटते हैं, y1 स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस वन इज इक्वल टू -2x, एडिशन का साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डेरिवेटिव ऑफ y1 स्क्वायर इज 2y1 y2 इज इक्वल टू इन द राइट हैंड साइड 4 इज द कांस्टेंट टर्म एंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज y1।
y2 हमें मिल चुका है, इसका मतलब हमारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम रिजल्ट पे मूव करते हैं, हमें कौन सी टर्म चाहिए कौन सी टर्म नहीं चाहिए। डेरिवेटिव में है 1 माइनस, सॉरी हमें जो प्रूव करना है उसमें टर्म चाहिए हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, ये रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है 2y1, तो हमें 2y1 को एलिमिनेट करना है, तो हम 2y1 को कॉमन ले लेते हैं। यदि हम 2y1 को कॉमन लेते हैं तो रिजल्ट मिलेगा माइनस 2 बाहर शिफ्ट हो चुका, y1 बाहर शिफ्ट हो चुका, xy1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन में इन्वॉल्व हो चुका, y1 टर्म भी कॉमन टर्म में इन्वॉल्व हो चुकी है, रिमेनिंग टर्म y2 इज इक्वल टू 4y1, y1 एंड y1 कैंसिल आउट, 2 1 2 एंड 2 2 4, देन रिजल्ट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस xy1 माइनस 2 इक्वल टू 0। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।